नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ से एक बड़ी न्यूज आ रही है। दोस्तों बड़ी न्यूज ये आ रही है कि दुनिया के सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा हो सकता है कि अगले आने वाले साल में यानी कि 2024 में संन्यास ले सकते हैं। इस सेल्फलेस क्रिकेटर ने जब भी इंडियन टीम की तरफ से खेला है तो सिर्फ टीम के बारे में सोचा है, न कि अपने पर्सनल किसी रिकॉर्ड के बारे में। T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो हुआ था उसके बाद से रोहित शर्मा एक भी T20 मैच नहीं खेले हैं। अगली सीरीज जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है इंडिया की, उसमें रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसे पूरी पूरी उम्मीद नजर आ रही है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर यानी कि 2024 के अंदर ये संन्यास ले सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, यानी कि T20 मैच से ये संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि इतने ढेर सारी क्रिकेट हो गई है और BCCI अब आगे का प्लान कर रही है। आगे के प्लान में रोहित शर्मा उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि फिट नहीं होते हैं। आने वाला जो समय है उसमें हार्दिक पांडे को कैप्टनसी दी जा सकती है T20 मैचों की। रिंकू सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन को आने वाले टाइम में BCCI कंटिन्यू करेगी। बाकी जो पुराने खिलाड़ी हैं जैसे रोहित शर्मा हो गए और खिलाड़ी, इनके तरफ अब BCCI का रुझान ज्यादा नहीं है, क्योंकि BCCI का मानना यह है कि अब ये खिलाड़ी आगे आने वाले फ्यूचर में हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। तो उम्मीद पूरी लगाई जा रही है कि 2024 में रोहित शर्मा अपने संन्यास का ऐलान कर देंगे। और वहीं खबरें तो ये भी आ रही है कि मुंबई इंडियंस ने जब से हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया है अपनी टीम में, तब से रोहित शर्मा की कप्तानी पे भी सवाल निशान खड़े हो गए हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि मुंबई इंडियंस भी एक नया कप्तान ढूंढे, और इसी बेस पे इन्होंने हार्दिक पांड्या को लाया है अपनी टीम में। बहरहाल अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में होता क्या है। फिलहाल रोहित शर्मा का जो करियर रहा है वो अब तक काफी बेमिसाल रहा है।